सूरत के अंदर दशहरा के बाद एक चांदी पड़वा करके एक पर्व है जहाँ पे लोग सूरती लोग बहुत सालों से ये घारी और उसके साथ नमकीन वो चांदनी रात में बैठ के खुले में बैठ के वो सब सेलिब्रेट करते हैं चांदनी पड़वा। तो चांदनी पड़वा ऐसा त्योहार है कि वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सूरत में मनाया जाता है और सूरत के लोग दूध पौवा भी खाते हैं अगले दिन और दूसरे दिन चांदी पड़वा होता है तो वो लोग ये घारी खाते हैं। तो घारी हमारे मिठाई वाले जो पहले से परंपरा से चली आ रही है तो रेगुलर में बादाम पिस्ता केसर पिस्ता घारी बनती है लेकिन हम लोगों ने न्यू जनरेशन के साथ यही पर्व को वो लोग भी सेलिब्रेट करें उसी वजह से हम लोगों ने अलग अलग फ्लेवर की घारियां डेवलप की है। तो हर साल हम फ्रूट्स फ्लेवर की घारियां हमारे यहाँ होती है, चॉकलेट की घारी होती है। चॉकलेट घारी न्यू जनरेशन बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो चॉकलेट पे डीप होती है। और फ्रूट्स फ्लेवर की घारियां मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, पान मसाला, कलकत्ती पान मसाला, ऐसे 12 प्रकार की हम घारियां अलग अलग फ्लेवर की चांदनी पड़वा में स्पेशल बनाते हैं। हर साल हम कुछ न कुछ नया फ्लेवर बनाते रहते हैं। इस बार हम लोगों ने बनाना हनी बनाया है और ब्लूबेरी की घारी बनाई है। गोल घारी जब हमने गोल स्वीट बनाई थी उसी साल हम लोगों ने भी गोल घारी बनाई थी। गोल घारी उसके ऊपर प्योर गोल का वरक आता है और उसमें मावर बादाम वो अलग रेसिपी से बनती है और लोग उसको पसंद करते हैं। एक बार हमने बना के रखी फिर डिमांड उसकी रहती है लेकिन हम ऑर्डर से बनवाते हैं। और चांदनी पड़वा में जो लोग शौकीन है वो लोग या किसी को देना है जो स्पेशल किसी को देना होता है तो वो घारी भी सब ले जाते हैं और हमारी बाहर विदेश में बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। गोल्ड घारी की भी है और गोल्ड स्वीट की भी है और ये जो रेगुलर घारी है वो भी यहाँ से लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं प्लस हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनके रिलेटिव को भी वो लोग पार्सल से भेजते हैं। गोल्ड घारी का 12,000 पर केजी है। सप्लाई में हमारा ऑनलाइन जो ऑर्डर आता है वो हमारे डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील होती है तो पार्सल में जाता है। अमेरिका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, कनाडा से आता है। जहां जहां गुजराती बसे हैं और सूरती बसे हैं वहां पे मिठाई और खाने पीने के जो शौकीन हैं वो लोग यहां से स्वीट मंगवाते हैं। कितने का व्यापार होता है वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि त्योहार के बाद ही हमें पता चलता है लेकिन लोगों का अच्छा उत्साह है। उत्साह के साथ लोग जुड़े हैं क्योंकि एंजॉय लोगों को कुछ न कुछ बहाना चाहिए कि कैसे हम एंजॉय करें। तो ये फेस्टिवल सूरती लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये सड़क उड़न के हिसाब से इसको खाने के लिए सूप कहना जाता है इसलिए वो सब लोग हम खाते हैं और यहाँ खरीदी करने के लिए आए हैं। ये शरद पूनम के हिसाब से पहले के जमाने में था राजा महाराजा की तरह इसलिए वो लोग सब शुरू से पेरी चलती आ रही है वो हिसाब से हम लोग ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं।